और उस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड में 24 घंटे में मिले कोरोना के 4,818 नए मरीज, 24 घंटे में 4 की मौत भी हो चुकी है। सक्रिय मामले 24,000 के पार पहुंच गए। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ लगातार ही बढ़ता जा रहा है, वहीं अब कोरोना से मौत होने का सिलसिला भी जारी हो गया है। सीमांत क्षेत्र खटीमा में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं खटीमा में आज कोरोना की तीसरी लहर का कहर सामने आया। खटीमा के इस्लाम नगर निवासी एवं एक युवक की कोरोना बीमारी के चलते मौत हो गई। मृतक युवक कोरोना संक्रमित था, जिसका इलाज सरकारी अस्पताल खटीमा के कोरोना वार्ड में इलाज चल रहा था। वहीं खटीमा के इस कोरोना नोडल अधिकारी डॉक्टर बीपी सिंह ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर के चलते खटीमा में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं आज इस्लाम नगर निवासी कोरोना संक्रमित एक युवक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिसकी अंतिम संस्कार कोरोना का लाइन के मुताबिक करवाया जा रहा है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एचएन अग्रवाल खटीमा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। एचएन, जिस हिसाब से स्थिति इस वक्त कोरोना के मद्देनजर बनी हुई है, ऐसे में अस्पताल व्यवस्था किस प्रकार से काम करता नजर आ रहा है? जी, आपको बता दूं कि तीसरी लहर को लेकर प्रशासन वैसे भी सतर्क है, और दूसरी बात, उत्तराखंड में चुनाव भी चल रहे हैं, इसी के मद्देनजर भी प्रशासन ने बहुत सख्ती बरत रखी है। फिर भी उसके बावजूद बता दूं कि कल इस्लाम नगर निवासी 63 वर्ष के निवासी जब अपना इलाज करवाने सरकारी अस्पताल में आया, और उसको उसको खांसी की काफी प्रॉब्लम हो रही थी और भी बुखार सा भी आ रहा था, तो तुरंत ही डॉक्टर ने उसका कोरोना टेस्ट किया गया और कोरोना में वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उसी को लेकर तुरंत ही डॉक्टर में भी हड़कंप मच गया और उसका इलाज किया गया, उसी इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई है। और बिल्कुल देखिए, इस तरह की स्थिति देखी जा रही है। इसके साथ साथ अगर अचन बात किया जाए प्रशासनिक व्यवस्था की, तो मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में प्रशासन कितना सजग नजर आ रहा है? जी, प्रशासन क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव की तिथि आ चुकी है, और इसी को लेकर प्रशासन पहले से सख्त हो चुका था, और प्रशासन ने और कोविड गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है, और चुनावों में भी कहा गया कि वो सख्ती रहेगी, उसी को लेकर यहाँ पर डॉक्टर्स ने भी जनता से भी अपील कर रखी है, कहीं भी बिना मास्क के ना घूमें और साथ में कहीं भी भीड़ भाड़ ना लगाएं। परंतु जो इस्लाम नगर का एक व्यक्ति है जो कोरोना संक्रमित हुआ है, उसी को लेकर यहाँ पर लोगों में भी थोड़ा दहशत का माहौल बन गया है, और प्रशासन ने भी सख्त आदेश दिए और पूर्ण रूप से सख्ती कर दी गई है कि किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी, और जो भी इन कोरोना कोविड के नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, इस हिसाब से जिस हिसाब से आपने बताया प्रशासन काफी सख्त है और कार्रवाई की भी बात करता नजर आ रहा है, आम जनता के अगर हाल यहाँ पर जाने, क्योंकि जनता से ही सब कुछ फैल रहा है, जनता जागरूक होगी तभी कोरोना की मार से हम बच सकते हैं, ऐसे में खटीमा की जनता का क्या रुख है? चुनाव नजदीक है, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जनता जागरूक है क्या? जी, आपको बता दो कि इसका दुखा मामले को छोड़कर बाकी जनता लोग, जनता के जो लोग हैं, जब भी आ रहे बाजार में आ रहे, मास्क लगा के आ रहे हैं और पालन भी कर रहे हैं, कुछ लोगों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, उनके खिलाफ बराबर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कल भी पुलिस ने कहा चेकिंग अभियान चलाया और कई लोगों के चालान भी काटे गए हैं, और सख्त वार्निंग भी दी गई कि अगली बार से उन्होंने मास्क नहीं लगाया तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। अचन, तो हमारे साथ खटीमा से हमारे संवाददाता अचन जुड़े थे, जिन्होंने बताया किस तरह की स्थिति बनी हुई है और किसकी वजह से ये मामलात बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन खटीमा में काफी सतर्क नजर आ रही है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। 65 वर्षीय पुरुष सुबह सांस की तकलीफ के साथ 6 साल खटीमा में भर्ती हुए थे, जिनके कोविड टेस्ट कराने पे वो पॉजिटिव आए, इलाज के दौरान आज शाम को भर्ती हो गई, कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत कराया जा रहा है।